तो मेरा नाम कुशल कुमार, मारुति सुजुकी वैगनार का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो कि BXI वेरिएंट रहने वाला। अगर आप अंडर 7 लाख रुपीस को ऐसी कार देख रहे हैं जो कि फीचर्स से लोडेड रहनी चाहिए, रिफाइंड इंजन हो और डायमेंशंस वाइज भी अच्छी रहे, तो फिर आप वैगनार के BXI वेरिएंट की साइड जा सकते हैं। 6 लाख रुपीस के एक शोरूम प्राइस पर आपको ये कार मिल जाती है। फिर इतने प्राइस में आपको फीचर्स भी बढ़िया मिल जाएंगे, बेसिक फीचर्स सभी रहते हैं इस कार के BXI वेरिएंट में। मैंने आपको सर का बिल्कुल बेस मॉडल तो दिखाई दिया था जो कि LXI वेरिएंट था, बेसिक फीचर्स की काफी कमी रहती है। तो जो बंदे ऐसे होते हैं जिनको आफ्टर मार्केट काम बिल्कुल भी नहीं कराना, तो उनको बेस मॉडल पसंद नहीं आता इस कार का। फिर अगर आप 45,000 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे तो आपको BXI वेरिएंट मिल जाएगा। इतने प्राइस में आपको सभी बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे। एक एक करके हम सभी फीचर्स को देखने वाले हैं, आपको क्या क्या ऑफर कराए जाते हैं इस कार के BXI वेरिएंट में। से अपर मॉडल भी आता है जो कि ZXI वेरिएंट है, 28,000 रुपीज वो एक्सपेंसिव रहती है बस इस वाले वेरिएंट से। अगर आप एक्सटीरियर से या फिर इंटीरियर से भी देखेंगे तो आपको ज्यादा फर्क नहीं लगेगा, क्योंकि जो मेनली उसमें डिफरेंस है वो इंजन में है। उसमें आपको 1.2 लीटर का इंजन मिल जाएगा और इसमें आपको 1 लीटर का इंजन मिलता है। और उसी के साथ कुछ फीचर्स में चेंजेस है, जैसे कि आपको बी पिलर ब्लैक कलर का मिल जाएगा, इंटीरियर में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ और पहचान नहीं है ZXI वेरिएंट की। तो इस टाइम मैं खड़ा हूं मारुति सुजुकी शाकुंभरी ऑटोमोबाइल्स देहरादून में। अगर आपको कोई भी मारुति सुजुकी की कार चाहिए तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनके कॉन्टेक्ट की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शो रही होंगी। इनका शोरूम रुड़की, हरिद्वार, बिजनौर में भी है। फ्यूचर भी चाहते तो मैं इस कार की से, तो उस तरह की आपको इस कार में की मिल जाएगी जो कि रिमोट सेंटर लॉकिंग रहने वाली है, जिस पर आपको लॉक अनलॉक का मिल जाएगा। सुजुकी का रहने वाला यहाँ पर लोग और दोनों ही की आपको सेम मिल जाती है इस कार में। और ये फ्रंट प्रोफाइल इस कार की, फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिल जाएंगे और इंडिकेटर में रहने वाले यहाँ पर बल्ब। और ये ग्रिल इस कार की सुजुकी का हो गया लोगो यहाँ पर, और क्रोम लाइन दी जाएगी आपको यहाँ पर। फोग लैंप आपको इसके BXI वेरिएंट में नहीं दिए जाते हैं, सेपरेट वेरिएंट में आपको फोग लैंप दिए जाएंगे। फिर ओवरऑल कुछ तरह की लगती है इस कार की फ्रंट प्रोफाइल। और ये साइड प्रोफाइल इस कार की, डायमेंशन अगर आप देखते हैं तो काफी बढ़िया इस कार की डायमेंशन रहने वाली है। स्विफ्ट से ज्यादा आपको उसकी हाइट मिल जाती है, और जिस प्राइस पे वैगनार आती है उस हिसाब से डायमेंशन काफी बढ़िया रहने वाली है। और इंटीरियर भी काफी स्पेसियस लगेगा आपको, जब मैं इंटीरियर में चलूंगा तो आपको दिखा दूंगा। और ये इसके स्टील व्हील्स विद व्हील कवर्स, 14 इंच के आपको इसमें स्टील व्हील्स मिल जाएंगे, बने 65x70 R14 की प्रोफाइल रहने वाली है। और इंडिकेटर हो गया इस कार के फेंडर पे। और ये इस कार का वार्म जो कि आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दिया जाएगा। ए पिलर हो गया बॉडी कलर का, ऊपर की साइड हो गया एंटेना, डोर हैंडल्स भी आपको इसमें बॉडी कलर के मिल जाते हैं BXI वेरिएंट में। बी पिलर हो गया इसका बॉडी कलर का। अगर आप इससे अपर वेरिएंट यानी कि ZXI वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको ब्लैक कलर के बी पिलर्स मिल जाएंगे। वो बाहर से देखने में कुछ तरह का लगता है NTS कार का, जो कि डुअल कलर में है। जब मैं इंटीरियर में चलूंगा तो आपको सभी फीचर्स दिखा दूंगा। ये डुअल कलर का जो इंटीरियर है वो आपको बेस वेरिएंट से ही ऑफर करा जाता है। वो बैक डोर हैंडल हो गया यहाँ पर। फिर ये ओवरऑल इस कार की साइड प्रोफाइल, इस कार की जो भी डायमेंशन है वो आपकी स्क्रीन पर शो रही होंगी। और ये बैक प्रोफाइल जिसे आप देख सकते हैं, ऊपर साइड आपको रियर स्पॉइलर नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको हेमंड स्टॉप लैंप मिल जाएगा। रियर वाईफाई डिफोगर बहुत सारे फीचर्स में नहीं दिए गए हैं। और ये इसकी टेल लाइट हैलोजन बल्ब मिल जाएगा आपको इसकी टेल लाइट में, इंडिकेटर बैक लाइट में भी। सुजुकी का हो गया लोगो यहाँ पर, वैगनआर की बैजिंग दी जाएगी क्रोम पर जो कि लिखा गया है। दो पार्किंग सेंसर्स हो गए, रिफ्लेक्टर्स रहेंगे। अब चलिए फिर मैं आपको उस कार का बूट दिखाता हूँ, फिर कितना स्पेस मिल जाएगा आपको उस कार के बूट में। वैसे तो आपको 5 ट्रे मिल जाएगी, 341 लीटर का रहने वाला है इस कार में बूट स्पेस। और स्पेयर व्हील हो गया यहाँ पर, 14 इंच का आपको उसमें स्पेयर व्हील मिल जाएगा, सेम प्रोफाइल रहने वाली है टायर की। तो ये तो बात रही इस कार के एक्सटीरियर के बारे में। जैसे कि आपने देखा कितने फीचर्स मिल जाते हैं आपको, रिमोट सेंटर लॉकिंग, 14 इंच के स्टील व्हील्स विद व्हील कवर्स और बॉडी कलर के ORBMs। ये तो बात रही इस कार के एक्सटीरियर के बारे में। इंटीरियर में भी मैं लेके चलूंगा इस कार के। इस कार में आपको 1000cc का इंजन मिल जाएगा जो कि प्रोड्यूस करता है 66 BHP की पावर और 90 Nm का टॉर्क। तो चलिए मैं आपको इस कार का इंटीरियर दिखाता हूँ, फिर क्या क्या ऑफर करा जाएगा आपको इस कार के इंटीरियर में। तो ये इंटीरियर इस कार का, जैसे आपको बताया रहा था, डुअल कलर में रहने वाला है। और ये ड्राइवर साइड डोर, डोर हो गया सिल्वर कलर का। चारों पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे लॉक अनलॉक के लिए, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORBMs के कंट्रोल्स दिए गए हैं। बटन बटन स्पेस हो गया, डोर पैनल स्पेस, स्पीकर हो गए। और बाहर से देखने में कुछ तरह का लगता है इंटीरियर इस कार का। और ये ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट अटैचमेंट का फीचर आपको यहाँ पर नहीं दिया गया, सिर्फ रिक्लाइन करने का दिया जाएगा। और ये इस कार का बैक डोर, डोर हो गया सिल्वर कलर का, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, बटन बटन स्पेस हो गया, डोर पैनल स्पेस, स्पीकर हो गए। तो वैसे कुछ तरह का रहने वाला इंटीरियर इस कार का, सभी फीचर्स को हम देखने वाले हैं, क्या क्या ऑफर करे जाएंगे आपको इसके BXI वेरिएंट में। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील से ही। तो लेदर स्टीयरिंग व्हील तो आपको उसमें नहीं दिया जाता है, इसका एसेसरीज का पार्ट है। अगर आप इसको शोरूम से लगवाना चाहते हैं तो आप इसको एड ऑन करा सकते हैं। सुजुकी का हो गया यहाँ पर लोगो, SRS एयरबैग की होगी बैजिंग, फ्रंट टू एयरबैग रहने वाले हैं इस कार में। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगी। और ये इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर,
स्पीडोमीटर मिल जाएगा, बीच में कितने साइज की रहेगी एमआईडी, इसमें इसका फ्यूल का कितना चल गया कार, टेम्परेचर, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें दिखती रहेंगे। कुछ यहाँ पर होगी अलर्ट टाइट्स, और ये ड्राइवर साइड एसी वैन सर्कुलर में मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए हो गया बटन यहाँ पर, और ये सेंटर कंसोल टू डिन का दिया जाएगा आपको उसमें। इन्फोटेनमेंट सिस्टम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ रहने वाला है। साइड में हो गए एसी वेंट्स, हजार्ड लाइट को गया बटन, मैनुअली एसी दी जाएगी, 12 वोल्ट को गया पावर सॉकेट, थोड़ा स्पेस हो गया। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली है कार, कुछ तरह का गियर नॉब रहेगा, और ये रहा हैंड ब्रेक, थोड़ा स्पेस हो गया फिर यहाँ पर, और ये रहा ड्राइवर साइड सन वाइजर। वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाएगा, और ये रहा IRBM, मैनुअली डे नाइट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। ये रहा कैबिन लैंप जो कि हैलोजन में रहेगा, को ड्राइवर साइड सन वाइजर, वैनिटी मिरर दिया जाता है, ग्रैब हैंडल हो गया, कुछ तरह की इसमें फ्रंट सीट रहने वाली है जिनमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिए जाते हैं, फिक्स हेडरेस्ट मिल जाएंगे। तो ये सीट कवर्स लगे हुए हैं, ये इसका एसेसरीज का पार्ट है। तो चलिए मैं आपको इसका ग्लोव बॉक्स दिखाता हूँ, कितने साइज का मिल जाएगा आपको इस कार में ग्लोव बॉक्स। और यह को ड्राइवर साइड डोर इस कार का, ओपन हो गया सिल्वर कलर का, पावर विंडो हो गई, बटन बोर्ड के लिए स्पेस हो गया, डिफरेंट स्पेस, स्पीकर। तो चलिए मैं आपको इसका रियर सीट पर लेके देता हूँ, वहां पर आपको स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको सही से आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम वहां पर। मेरी हाइट 6 फीट है, तो यहाँ पर कुंदा लेग रूम मिल जाएगा आपको। लेग रूम और हेड रूम में बिल्कुल भी कमी नहीं रहने वाली है, स्विफ्ट से ज्यादा हाइट रहेगी तो आपको हेड रूम भी बढ़िया मिल जाएगा। रियर सीट पर बैठे उस तरह का लगेगा डैशबोर्ड, फ्रंट में जैसे मैंने आपको दिखाई दिया फिक्स हेडरेस्ट, और बैक में भी आपको फिक्स हेडरेस्ट मिल जाएंगे। 60:40 में आप रियर सीट को स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रैब हैंडल, वो पावर विंडो कंट्रोल हो गए, मैनुअली विंडो, यहाँ पर आपको बार्डोर स्पेस नहीं मिलता, सिर्फ आपको डोर में मिल जाएगा बार्डोर स्पेस। और अंदर थाई सपोर्ट देखते हैं तो काफी बढ़िया सीट का रहने वाला है, तो ओवर कुछ तरह का इंटीरियर कार का जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर मिल जाते हैं आपको सभी दिखा दिए हैं। तो वैसे आपने जो कुछ तरह का था इस कार का बैकग्राउंड, जो भी फीचर्स आपको इस कार के BX7 में मिल जाते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर वो मैंने आपको दिखाई दिए हैं, सभी बेसिक फीचर्स दिए गए हैं। क्योंकि आपको इसके BX7 में रिमोट सेंटर लॉकिंग, इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर पावर विंडो जैसे फीचर्स मिल जाएंगे, बस आपको जो कमी लगेगी इसके BX7 में वो आपको इसके फोग लैंप्स में लगेगी। आपको इसके BX7 में भी फोग लैंप्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं।